हेलो एवरीवन। तो डियर, मेरा यहाँ पे पर्पल का पार्सल रिसीव हुआ है और यहाँ पे देखिए ये बबल रैप में ऐसे पैकिंग में आता है और बहुत अच्छी पैकिंग करते हैं ये लोग, सेफली पैकिंग करके भेजते हैं। तो अभी मैं बबल रैप्स को ओपन करूँगी, उसके बाद मैं इंडिविजुअल प्रोडक्ट का आपके साथ रिव्यू करूँगी। और ये बॉक्स है, ये बॉक्स के अंदर वो लोग भेजते हैं सेफली कि वो कुछ कहीं से टूटे ना। तो अभी आप आगे देखोगे मेरा पूरा प्रोडक्ट का रिव्यू, तो चलते हैं। अलैकुम, हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो कल का आपने मेरा, सभी लोग ने ब्लॉग देखा होगा, तो उस ब्लॉग में मैंने आपसे शो किया था कि मेरा purple.com से पार्सल आया हुआ है। तो वही पार्सल का मैं आज आपसे इंडिविजुअल प्रोडक्ट का रिव्यू अनबॉक्सिंग के साथ करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारे प्रोडक्ट को खोल लिया है और ये प्रोडक्ट जो आए हैं वो ऐसे बबल रैप्स में आए थे। इनकी पैकेजिंग इतनी अच्छी होती है और बहुत सेफली ये भेजते हैं कि प्रोडक्ट को कुछ भी नहीं होता है। तो इस बबल रैप में हर एक एक प्रोडक्ट इसमें रैप होके आए थे। तो अभी मैंने सारे प्रोडक्ट्स खोल लिए हैं, अब मैं आपको प्रोडक्ट की पैकेजिंग दी मैं इसकी रिव्यू करूँगी। ये है इनसाइड का मेकअप स्प्रे, फिक्सिंग स्प्रे। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है क्योंकि ये मैं सेकेंड टाइम यूज़ कर रही हूँ। तो आप इसकी पैकेजिंग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी पैकेजिंग है। और जो इसका बॉक्स है, मटेरियल बहुत अच्छा है और बॉटल भी इसकी बहुत अच्छी है। इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, आप कहीं भी इसको इजीली कैरी कर सकते हैं आप। ये लॉन्ग लास्टिंग स्प्रे है, जब आप ये स्प्रे करते हो तो आपकी स्किन में मेकअप बहुत अच्छे से फिक्स हो जाता है और नॉन स्टिकी है और बिल्कुल भी ऑयल और मॉइस्चर नहीं छोड़ता है। तो ये बहुत अच्छा है, मैं सेकेंड टाइम यूज़ कर रही हूँ। और purple.com में इजीली आपको ये सब चीज़ें, जो भी मैंने ऑर्डर किया है, सारी चीज़ें आपको डिस्काउंट में मिल जाएंगी। इसकी MRP में कम से कम इसका 30-40% ऑफ़र, मतलब डिस्काउंट ऑफ़र रहता ही है उसमें। अच्छा, सेकेंड प्रोडक्ट है फेसेस कैनेडा का, कॉम्पैक्ट मंगाया है। ये शेड है नेचुरल 02, ये मीडियम टू लाइट स्किन को सुझाएगा। और इसकी पैकेजिंग ऐसे आती है, ये के अंदर भी एक बॉक्स होता है और उसके अंदर स्पंज होता है और फिर उसके अंदर कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो ये ऐसी पैकेजिंग है और ये शेड है नेचुरल 02 और इसके अंदर आपको एक ऐसा स्पंज आता है और एक ये प्लास्टिक से कवर हुआ होता है। तो ये शेड है, ठीक है, ये बहुत अच्छा शेड है। ये भी मैं 2 से 3 बार यूज़ कर सकती, शायद ये 4 टाइम मैंने ऑर्डर किया है। तो ये लाइट टू मीडियम स्किन को जाएगा, अगर कोई फेयर स्किन है तो इससे एक शेड ओवेरी ले सकता है वो अपनी फेयर स्किन के लिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने स्वीस ब्यूटी का लॉन्ग लास्टिंग मेकअप स्प्रे है। तो इसकी पैकेजिंग ऐसी आती है, ये बबल रैप के बाद भी ऐसे पैक हुआ होता है। तो मैंने इसकी पैकेजिंग खोली नहीं थी क्योंकि मुझे आपके सामने खोलना था। तो ये एक ऐसी पैकेजिंग में आता है, इसका जो बॉक्स है बहुत अच्छा मटेरियल है बॉक्स का भी, और स्वीस ब्यूटी का है ये। ये मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, बट ये मेरी फ्रेंड्स ने यूज़ किया था तो मुझे उन्होंने बताया इसका रिव्यू बहुत अच्छा है। तो मैं आपको हॉनेस्ट उसका रिव्यू जब यूज़ करूँगी तब। SQ ब्रांड का लूज पाउडर, जो ये शेड है 01, ये फेयर स्किन के लिए है, वाइट लूज पाउडर है। अगर आप फेयर स्किन है तो सबसे ज़्यादा जाएगा। और इसकी बॉक्स मटेरियल इतनी ख़ास नहीं है बट अच्छी है, और जो अंदर की बॉटल पैकेजिंग है वो बहुत अच्छी है। और ये SQ ब्रांड आपको purple.com में इजीली मिल जाएगा और इसके बहुत सारे उधर ऑफर्स होते हैं। और ये सेकेंड टाइम यूज़ कर रही हूँ, लॉन्ग लास्टिंग है और यूज़ करने के बाद, लेकिन ये फेयर स्किन को ये वाला कलर जाता है, मीन्स वाइट लूज पाउडर फेयर स्किन को जाता है। बट मैं इसलिए इसको ऑर्डर किया है कि जैसे कि जब मुझे ब्राइट लुक चाहिए तो मैं ये वाला लूज पाउडर यूज़ करती हूँ कि मेरा लुक थोड़ा ब्राइट हो जाए। तो ये जो जाएगा फेयर स्किन के लिए जाएगा, और अगर आपको लाइट टू मीडियम स्किन के लिए जाना है तो आप इसके नीचे वाले शेड्स देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने गुड वाइब्स का फेस स्क्रब मंगाया है। जब जैसे कि मुझे मेकअप करने से पहले जब क्लिंजिंग करना होता है तो मैं ये स्क्रब यूज़ कर लेती हूँ। मेरे पास और भी स्क्रब हैं बट लेकिन मैंने बोला ये एक बार ट्राई करते हैं क्योंकि न्यू आया था, तो मैंने ट्राई किया। तो इसकी पैकेजिंग बबल रैप के बाद ऐसी होती है, फिर मैंने इसको ऊपर से ये पैकेजिंग निकाला है और ये कुछ ऐसा होता है। तो आप देख सकते हैं फ्रिक्वेंस बहुत अच्छी है, खुशबू बहुत अच्छी है। तो ये ऐसा होता है, ठीक है। और वाइब्स के बहुत अफोर्डेबल हैं और बहुत ही अच्छे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने मंगाया है मेबलिन फिट मी शेड 20 लाइट टू मीडियम शेड। ये है देखिए गोल्डन शेड है ये। टोटल आपको जाएगा लाइट टू मीडियम स्किन के लिए।
फेयर स्किन के लिए अगर जाना है तो इसमें एक शेड लाइट है, मीन्स लाइक ओवरी शेड, आप उस पर जा सकते हैं। ये लाइट टू मीडियम के लिए जाएगा और मैंने आपको बताया फेयर स्किन के लिए वाइट लूज पाउडर ही यूज़ करें अगर बहुत ज़्यादा फेयर है तो। अगर नॉर्मल फेयर है तो आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने गुड वाइब्स का दूसरा मॉइस्चराइज़र लिया है, ये एलोवेरा प्लस विटामिन ई मॉइस्चराइज़र है। ये ड्राई स्किन के लिए नहीं जाएगा, ड्राई स्किन के लिए आपको डीप मॉइस्चराइज़र लेना है, ठीक है। तो ये आपको इजीली गुड वाइब डे लोशन आप इसको ले सकते हैं, और आपकी स्किन केयर रूटीन में जैसे कि आप डे में भी इसको यूज़ कर सकते हैं और नाइट में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल टाइम पर मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है तो आप उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने मंगाया है वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन, ये है गोल्डन बेज। ये फाउंडेशन थोड़ा ड्राई है और जब एप्लीकेशन आप कर लो तो बेस एकदम फ्लॉलेस दिखता है। तो ये शेड है गोल्डन बेज, ये लाइट टू मीडियम स्किन को जाएगा और फेयर स्किन के लिए आप इससे एक शेड ऊपर ले सकते हैं। ये मैंने अल्फा गुडनेस का मॉइस्चर क्रीम मंगाया है, कोकोनट मॉइस्चर क्रीम है। ये ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है, नॉर्मल स्किन के लिए भी बहुत अच्छा और सेंसिटिव स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने हर क्लाइमेट में ये यूज़ किया है तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये मैंने अभी बायोटेक का टोनर मंगाया है, ये मैं थर्ड टाइम यूज़ कर रही हूँ। इतना अच्छा टोनर है ये, कुकुम्बर का इतना अच्छा टोनर है। जब आप ये अप्लाई करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपके जो पोर्स हैं वो श्रिंक हो रहे हैं और आपकी स्किन टाइट हो रही है। तो आप नॉर्मल टाइम पे भी यूज़ कर सकते। तो बबल रैप के बाद ये ऐसी पैकेजिंग में आती है तो मैंने इसको फाड़ दिया है। तो देखिए ये ऐसी पैकेजिंग में है, ये बहुत अच्छा टोनर है और आपको इसके बहुत सारे फ्लेवर्स, बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं purple.com में मिल जाएंगे। इसकी मॉइस्चराइज़र क्रीम भी बहुत अच्छी है, बट मैंने कभी यूज़ नहीं की है लेकिन उसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं। तो ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा है। टोनर तो स्पेशली टाइटनिंग पोर्स के लिए और स्किन को सबसे ज़्यादा हाइड्रेट करता है। जब आप ये अप्लाई कर लोगे तो ऑटोमेटिक आपकी स्किन ऐसे लगेगी कि बहुत फ्रेश फील करोगे आप। अच्छा, ये गुड वाइब्स का तो आपको पता है मैं यूज़ करती हूँ, मैंने आपने मेरे मेकअप ट्यूटोरियल में देखा होगा। तो ये मैंने रोज़ गुड वाइब्स मंगाया, ये अफोर्डेबल प्राइस में भी है और जो इनके प्रोडक्ट्स होते हैं ट्रस्ट में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सस्ते होते हैं। आपको और भी टोनर्स मिल जाएंगे उसके रिलेटेड। अच्छा, गुड वाइब्स का मैंने मॉइस्चराइज़र एवोकाडो मॉइस्चराइज़र क्रीम मंगाई है, तो एवोकाडो तो स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ये गुड वाइब्स का बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अच्छा, ये है टी एंड डब्ल्यू का टोनर, ये रोज़ टोनर है। तो ये बहुत मतलब आप अगर मेकअप कर रहे हो तो एज अ मिस्ट भी यूज़ कर सकते हो और एज अ टोनर भी यूज़ कर सकते हो और एज अ फेस मेकअप रिमूवर भी यूज़ कर सकते हो। ट्रस्ट में ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और तीन बार यूज़ कर लिया है, ये मैंने थर्ड बॉटल मंगाई है। और तो इसकी पैकेजिंग ऐसी है, इसकी बॉक्स पैकेजिंग बहुत अच्छी है। इसके अंदर आपको एक ऐसा पैम्पलेट मिलता है, इनके सारे प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर, तो आपको जो प्रोडक्ट्स चाहिए आप वो बाय कर सकते हैं। और टोनर ऐसा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एस क्यू की ये लिपस्टिक मंगाई है, जो ये शेड मैंने अप्लाई किया है, ये शेड नंबर है मूवी स्टार मेकआउट 6 नंबर, ठीक है। ये बहुत अच्छा शेड है, इनकी जो ये पेंसिल लिपस्टिक है बहुत अच्छी है, मॉइस्चर है, मैट लिपस्टिक नहीं है, ये बहुत अच्छी मॉइस्चर। जो लोग मॉइस्चर लिपस्टिक पसंद करते हैं ग्लॉसी टाइप, तो ये मॉइस्चर छोड़ती है, ये बहुत अच्छी है, लेकिन स्किन को बिल्कुल भी फैलती नहीं है, बहुत अच्छा मतलब इसमें शेड्स हैं इनके। तो मुझे ये कलर चाहिए था, ये वाली लिपस्टिक के जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छे हैं, इसमें बहुत सारे शेड्स अवेलेबल हैं। मैंने अभी फेस पे अप्लाई किया, आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये शेड है। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने एस क्यू का आई प्राइमर लिया है, ये आप आपके फेस पे भी यूज़ कर सकते हो और आई पे भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं ज़्यादा इसको आई पे यूज़ नहीं करती हूँ, मैं फेस पे यूज़ करती हूँ डियर। लेकिन ट्रस्ट में ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, हॉनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ कि जब आप ये फेस पे लगाते हो ना आपके पोर्स पूरे हाइड हो जाते हैं, मेकअप पूरा ब्लर दिखता है। इनफैक्ट जब टी जोन के ये एरिया में आपको लग रहा है कि आपके पोर्स ओपन हैं या यहाँ पे, तो आप ये लगाओ और इसके बाद मेकअप करो, बहुत ट्रस्ट मी बहुत अच्छा इसका बेस बनता है, पूरा ब्लर हो जाता है। तो पैकेजिंग ऐसी है, बॉक्स कवर ओके है, ज़्यादा खास नहीं है।
ये ऐसे आता है, इसको आप इसके ओपन करके आप ऐसे देख सकते हैं। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट purple.com में मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने NYB की वाइट पेंसिल मंगाई है, जो मतलब वाइट भी नहीं है, ये ग्रे शेड है, थोड़ा शाइन करती है, ग्रे शेड है, तो वाटर लाइन के ऊपर लगाने के लिए अच्छी है, बहुत अच्छा मतलब है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं है ये, ज़्यादा से ज़्यादा एक घंटा चलेगी। तो मैं ये ब्राइड्स या फंक्शन के लिए मैंने नहीं मंगाया है, जैसे मैं घर में हूँ या मुझे कोई गेस्ट आ रहा है तो मैंने तुरंत लगाने के लिए ये मंगाया है, बट ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, मुझे इतनी इसका कोई ख़ास नहीं है, बट लेकिन लगाने के बाद थोड़ा अच्छा लुक आ जाता है, तो मैंने ये नॉर्मल टाइम्स के लिए मंगाया है। यहाँ पे मैंने SQ का कॉम्पैक्ट मंगाया है, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, थर्ड टाइम यूज़ कर रही हूँ, तो इसकी पैकेजिंग ऐसी है, बॉक्स पैकेजिंग नॉर्मल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ऐसा आता है ये। ये ऐसे आता है, तो इसका जो शेड है शेड ऐसा है, और इसका शेड है बेज बेब 3। ये लाइट टू मीडियम स्किन को जाएगा, क्योंकि मैंने सारे प्रोडक्ट अपनी स्किन के अकॉर्डिंग मंगाया, स्किन है तो उधर और भी ओवेरी शेड्स हैं, वो ले सकते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ NYB का प्राइमर, ये प्राइमर मैं सेकेंड टाइम यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। ये प्राइमर क्या करता है, जब आप फेस पे अप्लाई करो टोनर के बाद, तो एक अच्छा बेस भी अच्छा बनता है, और स्पेशली अगर मैंने इसको मेबलिन सुपर स्टे फाउंडेशन के साथ यूज़ किया था, सुपर स्टे फाउंडेशन बहुत जल्दी ड्राई होता है फेस पे, बट जब मैंने इसको ये यूज़ करने के बाद, जब उनका वो वाला फाउंडेशन मेबलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन यूज़ किया, तो अच्छे इजीली ब्लेंड हो रहा था। अगर मैं कोई और प्राइमर यूज़ करके ब्लेंड करती हूँ तो ब्लेंड नहीं होता है, मैं आपको उसका बता देती हूँ। इनके ये दो फाउंडेशन हैं, तो मेबलिन के ये दो फाउंडेशन हैं, तो एक फिट मी है और एक सुपर स्टे है, ठीक है। तो मैं जो बात कर रही हूँ वो मैंने इस प्राइमर के साथ ये वाला फाउंडेशन यूज़ किया था, जो बहुत ड्राई फाउंडेशन है, बट जब मैंने ये अप्लाई किया और उसके बाद फाउंडेशन यूज़ किया तो बहुत ईजीली ब्लेंड हो रहा था और एक अच्छा बेस मेरा बन रहा था। तो ये प्राइमर भी बहुत अच्छा है, अफोर्डेबल है, स्किन को ब्राइट करता है और स्किन को अच्छा नेचुरल हाइड्रेट करता है, ठीक है। ये पर्सनल मैंने जो भी मैंने आपको प्रोडक्ट्स के रिव्यू दिए हैं वो सारे हॉनेस्ट है, क्योंकि मैंने पर्सनली अपने स्किन पे यूज़ किए हैं और सेकेंड टाइम ये सब चीज़ें ऑर्डर की हैं। तो ये प्राइमर अफोर्डेबल प्राइस है और बहुत अच्छा है, बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है जीदा। तो यहाँ पे मैंने ब्राउनसन के स्पंज मंगाए हैं, तो ये 4 स्पंज हैं इसके अंदर सेम ऐसे ही, और बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है, बहुत ही सॉफ्ट है। तो इसके मैंने नॉर्मल स्पंज मंगा चुकी हूँ, ये मैंने फर्स्ट टाइम मंगाया है, जब उनका वो वाला स्पंज अच्छा था तो मैंने ये वाला ऑर्डर किया, बहुत अच्छे स्पंज हैं। तो यहाँ पे अब मैंने ये ब्रॉन्सन का आई कलर मंगाया है, तो मैंने इसको निकाल दिया था, और इसके साथ आपको एक ये मिलता है, इसका रबड़ एक मिलता है यहाँ वाला, तो एक लगा हुआ होता है और एक इसका मतलब एक्स्ट्रा मिलता है, तो ये बहुत अच्छा कल करता है, बहुत ही स्मूथ चलता है। तो ये भी मैंने सेकेंड टाइम मंगाया है, बहुत अच्छा है। फर्स्ट वाला जो मंगाया था वो आज तक मिला नहीं, एक ही टाइम यूज़ किया उसके बाद घूम गया, तो मैंने ये अभी सेकेंड ऑर्डर। अच्छा, मैंने मेबलिन का प्रोडक्ट मंगाया था बहुत सारा, मीन्स मेरे अभी आधे प्रोडक्ट आए नहीं हैं, एक ये ही आया है, ये वाला प्रोडक्ट आया है, तो उन लोग ने मुझे आधा प्रोडक्ट कुछ टाइम बाद भेजेंगे, शायद उनके स्टॉक में नहीं था, तो उसके साथ मुझे ये बैग उन्होंने गिफ्ट किया है। तो purple.com में ये अच्छी चीज़ है कि वो कुछ ना कुछ चीज़ें गिफ्ट करते हैं, अगर आप ज़्यादा अमाउंट के मंगाते हो, अगर आप NYB का या फिर SQ का भी ब्रांड लेते हो ना वहाँ से, तो आपको एक प्रोडक्ट में उधर समटाइम ऑफर्स चलते हैं, एक प्रोडक्ट के साथ आपको दूसरा प्रोडक्ट वो लोग गिफ्ट करते हैं, मतलब कम रेट में देंगे या फिर वो लोग अपने तरफ से आपको गिफ्ट करेंगे। और अगर आप मेबलिन का कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हो तो वो लोग आपको ऐसा पाउच गिफ्ट करेंगे, या मस्कारा गिफ्ट करेंगे, या काजल गिफ्ट करेंगे। purple.com में ये खासियत है कि वो गिफ्ट्स बहुत करते हैं, आपको जो भी अच्छा रिव्यू किया है
purple.com के रिलेटेड, उनके प्रोडक्ट्स के रिलेटेड। तो अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिएगा। और आपको कुछ न्यू चीज़ों का अनबॉक्सिंग चाहिए, कोई प्रोडक्ट्स मेकअप प्रोडक्ट्स के चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, मैं वो प्रोडक्ट्स बाय करके आपके लिए रिव्यू करूँ। ऐसे ट्यूटोरियल और ऐसे अनबॉक्सिंग के लिए आप मुझे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ज़्यादा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।